ओ शैतान खुशी, हम लोगों को सैंडविच में मिर्ची खिला के हम लोगों को अच्छा सबक सिखाए। जब तक मैं उससे बदला नहीं ले लेता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैं बदला लेकर रहूँगा। मुझे भी तो यही टेंशन रहता है कि डिक और पुशी को कैसे भी सबक सिखाना है। चलो मेला घूम कर आते हैं। चलो चलो, ठीक बोल रहे हो, चलो मेला ही घूम के आते हैं। जादुई बंदूक ले जाओ, जादुई बंदूक ले जाओ। जादू वाला बंदूक, ये क्या है? चल जाकर देखते हैं। खिलौने वाले जादू वाला पिस्तौल दिखाओ जरा मुझे। सच में इस जादू वाले पिस्तौल में जादू है। अरे अरे, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। सुन 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 मेरी बात। तेरा आइडिया बहुत अच्छा है, बहुत मजा आएगा। चल जल्दी चल, सब बंदोबस्त करना पड़ेगा। चल 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 चल। ए पुशी, तू लड़ सकता है बंदूक से? हाँ हाँ आता है, लेकिन बंदूक रहेगा तब ना। बंदूक मेरे पास है। ए ए ए, ले 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 ले, ए तेरा है और ए ए ए मेरा है। ठीक है, लड़ने के लिए तैयार है तो? तैयार हूँ। 1 2 3 लेट्स गो। चल चल चल, भागते हैं यहाँ से, भाग। ए क्या, ये तो तेरी बेइज्जती कर दिया, अब क्या करेगा तू? मौका मिलेगा तो मैं इस बेइज्जती का बदला लूंगा। वो देखो, लुशी और डॉम आ रहे हैं इधर ही। फल ले लो फल, ताजे ताजे फल, फल ले लो फल। ओए ओए ओए, मेरे केले को ले लिया। हाँ रखो रखो, हाथ मत लगाओ मेरे केले में, ठीक है? रखो 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 रखो। खाऊंगा इसलिए। पहले पैसे दो फिर केले खाओ। रुको ना, दे रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, पहले पैसा दो फिर केला खाओ, समझे? रखो केला रखो। हाँ ठीक है, ये लो। शैतान बदमाश, मेरा फल वाला ठेला तोड़ दिया तूने, हाँ? मेरा नुकसान कर दिया तू, कौन नुकसान भरेगा यार? हाँ? रुक रुक रुक। मैराथन के दौड़ में जो प्रतियोगिता हो रहा है, इसको देख के तो लग रहा है कि एथेंस से पहले नहीं रुकेंगे सब। राम और श्याम दोनों आपस में अंतरंग मित्र थे। दोनों रविंद्र बोर्डिंग स्कूल में एक ही साथ पढ़ते थे। वे दोनों सांप बिच्छू भूत प्रेत डकैत किसी से किसी प्रकार से नहीं डरते। एक दिन प्रधानाध्यापक उन दोनों को अपने पास बुलाए। दोनों, आगामी कल तुम दोनों के साथ मैखना को लेकर
धनुष फोड़ कर अपने मित्र के यहाँ जाऊंगा। वाह, तब तो बहुत अच्छा होगा। घना प्रधानाध्यापक महोदय का एक विशेष नौकर था, बहुत डरपोक आदमी था। जो भी हो, कथनानुसार अगले दिन सुबह ही प्रधानाध्यापक राम और श्याम को लेकर घना के साथ धनुषपुर के लिए चल दिए। मास्टर जी, इस स्टेशन का नाम वीरभूमि है ना? आप बोले आपका मित्र का घर धनुषपुर है ना? हाँ, धनुषपुर गांव में, लेकिन वहाँ जाने के लिए इसी स्टेशन पर ही उतरना होगा। उसके बाद बैलगाड़ी पर ही जाना होगा। लगभग एक घंटे का रास्ता है। बाप रे बाप, अभी भी एक घंटा और? महाशय जी, कहाँ बैलगाड़ी है? चारों ओर तो खाली ही खाली दिखाई दे रहा है, और शाम भी तो हो रही है। हाँ महाशय जी, बहुत जोर से भूख लगी है। चलो तब पैदल ही चलते हैं। देखे बीच रास्ता में कोई खाने का दुकान मिलती है कि नहीं। हाँ महाशय, तो चलिए। अरे महाशय जी, पैदल चलते चलते तो पैर में फोड़े आ गए। ना तो खाने की दुकान मिली और ना तो धनुषपुर आया। मित्र, पत्र में लिखा था कि यहाँ से एकदम सीधा जाना होगा। हम लोगों तो सीधा ही रास्ता जा रहे हैं। लगता है और कुछ समय लगेगा। चलो सब धीरे धीरे चलो। बहुत दिन हो गया मैं मनुष्य का खून नहीं पिया। हाँ ठीक कहते हो। देखो तो, वही तो चार चार मनुष्य आ रहे हैं। आज सुख के साथ ही मनुष्य का खून पिया जाएगा। अरे हम लोग कहाँ आ गए? चारों ओर मनुष्य की खोपड़ी और हड्डी। उधर 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 लगता है कुछ चीता जल रही है। ठीक बोलते हो, या तो लग रहा है सुनसान है। यह क्या, सुनसान में तो सुनते हैं भूत रहते हैं। है नहीं, रहते हैं। ये देखो हम दोनों को। राम 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 राम। हरि नाम मत जपो जी, नहीं तो तुम लोगों का गर्दन मरोड़ूंगा। ये क्या, अरे राम साम, अब क्या होगा रे?
मास्टर जी, इन लोगों से डरने से कुछ नहीं होगा, बुद्धि और दिमाग से इनसे लड़ना होगा। मेरी एक शर्त है कि तुम 10 मेंढक को एक साथ पकड़कर अपने पास बैठाकर तुम गाना सुनाओगे, तभी तुम हम लोगों को गर्दन मरोड़कर खून पी सकते हो, नहीं तो नहीं। ठीक है, यही होगा। अरे बाप रे बाप, भाग गया। नहीं, पकड़ो पकड़ो, जा ये भी भाग गया। या क्या? ऐ जा, अरे बाप रे बाप, अब नहीं सकूंगा मैं भी, अब नहीं सकूंगा। हे भाई, अब माफ करो, हम लोग एक साथ 10 मेंढक एक जगह नहीं बैठा सकते, तब हम तुम लोगों को गाना कैसे सुनाएंगे। हाँ क्षमा करो भाई, अब हम दोनों आप चारों का खून नहीं पिएंगे, हम लोग अब चले। श्याम की बुद्धि के चलते ही वे चारों सुरक्षित यात्रा करते हुए पहुंच गए। महाराज, आप क्यों आज उदास लग रहे हैं? कोई तकलीफ है क्या महाराज आपको? दुश्मनों का डर है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो काशी से समाचार आया है। क्या समाचार? अगले दिन मेरे गुरुदेव आएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इस बात को लेकर क्यों परेशान है? परेशान नहीं होगा तो क्या होगा, कल गुरुदेव आ रहे हैं और वो शाकाहारी है, मांसाहारी का सेवन नहीं करते हैं। उनके लिए साग सब्जियां बाजार से खरीद के मंगवाना होगा, वरना तुम लोग समझ रहे हो क्या होगा। तब तो हमारे महारानी को बहुत परेशानी होगी। उससे बड़ा परेशानी कि ये बात है, गुरुदेव के सामने हमें शर्मिंदा होना होगा। हाँ ठीक बोल रहे हो, आप परेशान मत होइए महाराज, गुरुदेव के भोजन के लिए सारा सामान मैं बाजार से खरीद के लाऊंगा। आप रघु को मेरे साथ भेज दीजिएगा, सब मैं ला दूंगा। ये सब तुम महारानी से जाके पूछ लो। और हाँ, तुम्हें खरीदारी करने के लिए जो भी पैसों की जरूरत पड़ेगा तुम दीवान जी से ले लेना, मैं कह दूंगा। जी महाराज। महारानी इतने सारा सामान खरीदने के लिए ही है कि पूरा टोकरी भर जाएगा। रघु, तुम इतना सामान ले जा पाओगे? हाँ, आप साथ में रहेंगे तो ले जा पाऊंगा। चलो जल्दी जल्दी चलो, बाजार चलते हैं, जल्दी चलो। महाराज, काशी से गुरुदेव आ गए हैं। आ गए हैं, चलो चलो चलो, आइए आइए गुरुदेव आइए। आपके आने से मेरा महल पवित्र हो गया, आपका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं। आइए। नहीं नहीं, मैं एक सन्यासी हूँ, राजमहल में नहीं रहूंगा मैं। ठीक है गुरुदेव, तो फिर आप बगीचे में चलिए, वहाँ पे एक कुटिया है। अच्छा ठीक है बेटी, वहीं चलो चलो। चलो, सारी खरीदारी हो गई है, चलो रघु अब चलते हैं। हाँ चलिए चलिए। तुम्हारा ये कुटिया बहुत सुंदर है, साफ
सुंदर और ठंडा है, बहुत अच्छा है। जी गुरुदेव, आप यहाँ पे धर्म कथा सुनाएंगे, हमें इसीलिए कुटिया बनवाई थी। अच्छा, इसीलिए? अच्छा बेटी, बहुत देर हो गई है, अब मैं नहा कर पूजा करूँगा बेटी। नहीं नहीं गुरुदेव, आप इतने दूर से आए हैं, पहले कुछ खा लीजिए फिर स्नान कीजिएगा। बोलिए रानी माँ, गुरुदेव और उनके शिष्य के लिए कुछ फल ला कर दे दो। जैसे आज्ञा रानी माँ। प्रणाम रानी माँ, फल लेकर आई हूँ, यहाँ पे रख दो। हाँ, ये क्या दासी, तुम पत्ते में क्यों लेकर आई हो? सोने की थाली नहीं है क्या? है महारानी, लेकिन हमारे विदूषक जी बोले हैं पत्ते में लाने के लिए। हमारा गोपाल बोला है, लेकिन क्यों? प्रणाम महारानी, प्रणाम महाराज, हम लोग गुरुदेव से मिलने आए हैं, आ सकते हैं? हाँ हाँ, आओ, अंदर आओ। गोपाल, तुम ऐसा क्यों किए हो? क्यों रानी माँ? तुम दासी को सोने के थाली में फल लाने से क्यों मना किए हो? महारानी, मैं महल आके सुना था कि गुरुदेव महल में ना रह कर कुटिया में आकर रहे हैं, और गुरुदेव सन्यास धर्म अपनाए हैं, इसलिए वो सोने के थाली में खा नहीं सकते। इसलिए मैं दासी से कहा था पत्ते में फल ले जाए। मैं सही कह रहा हूँ ना गुरुदेव? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैं एक सन्यासी हूँ, मेरी नजर में सोने का थाली और पत्ता एक समान है। मैं पत्ते में नहीं खा सकता, लेकिन मेरा शिष्य तो खा सकता है, उसे क्यों नहीं दिए? वो आपका शिष्य है गुरुदेव, भविष्य में आगे चलकर उन्हें भी आप जैसा आगे चलकर सन्यासी बनना होगा, इसीलिए उनको भी पत्ते में दिया था, ताकि अभी से उन्हें पत्ते में खाने का आदत हो जाए। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन तुम जानते हो ये एक धनी परिवार का लड़का है, यह सिर्फ नाम का मेरा शिष्य है, यह कभी सन्यासी नहीं बनेगा। हाँ हाँ गुरुदेव, मैं समझ गया, अब परेशान मत होइए, मैं अभी जाकर इनके लिए सोने के थाली में खाने का बंदोबस्त करता हूँ। कृष्णचंद्र, ये आदमी तुम्हारे सभा में काम करता है? जी हाँ गुरुदेव, ये मेरे राज्य सभा का विदूषक है, नाम गोपाल है। ये बहुत ही ज्ञानी है। जी हाँ गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, उसके वजह से मैं बहुत मुसीबत से बचा हूँ। लो, हो गया, गोपाल इस गुरुदेव को भी खुश कर दिया, अब दिन भर उसी का प्रशंसा होगा, समझे? हमें भी मुंह बंद करके सुनना पड़ेगा। हाँ मंत्री, आप लोग क्या बातें कर रहे हो? हम लोग मंत्र जप रहे हैं। ओम ह्रीं क्लीं गणपतये गुरुदेव नमः। ओम ह्रीं क्लीं गुरुदेव नमः। ये लीजिए गुरुदेव। ये लीजिए। ये क्या? मैं तो सिर्फ अपने शिष्य के लिए बोला था, सोने के थाली में देने के लिए मुझे नहीं। आपके शिष्य को सोने के थाली में और आपको पत्ते में, ये तो गलत है ना गुरुदेव? किसी को दो नजर से नहीं देखना चाहिए। सुनो तुम लोग, मैं आज शाम को तुम लोगों को धर्म कथा सुनाऊंगा, तुम सब जरूर आना। ठीक है गुरुदेव, ठीक है, तो फिर अभी हम चलते हैं, जा रहे हैं। इस पृथ्वी का सब कुछ भगवान ही सृष्टि किए हैं, पेड़ पौधा पहाड़ नदी सागर जीव जंतु जानवर इंसान, सभी का कर्मदाता भगवान है। हम
सेवक है सभी का। जी नहीं गुरुदेव, सिर्फ आप ही नहीं, इस दुनिया की हर इंसान एक दूसरे का सेवक है। क्या कह रहे हो तुम, ऐसा कोई सबूत है तुम्हारे पास? जी हाँ गुरुदेव, सबूत है मेरे पास। एक मछली ने एक बार मेरा जान बचाया था। एक मछली तुम्हारा जान बचाया था, कैसे बताओ? कुछ ही दिन पहले मैं राज्यसभा से घर जा रहा था, बाजार से एक मछली खरीदा। मछली जिंदा था या मरा हुआ? तुम चुप हो जाओ, उसके बाद क्या हुआ, क्या हुआ बताओ। उसके बाद घर पहुंचकर देखा मेरी पत्नी सब्जियां काट रही थी, खाना बनने में देर था और मुझे भूख लगा था। अच्छा, अब मैं समझा, वो मछली उस वक्त तुम्हारे सामने बर्फी मीठा लड्डू तुम्हारे सामने पेश किया? जी नहीं। नहीं? हाँ नहीं, वो मछली अपने आप को मेरे लिए कुर्बान कर दिया। मतलब ये है कि जब मैं खाना बनने में देखा देर है, तब मैं उस मछली को कट कर धोकर तल कर खा लिया। पापी कही का, कब से मैं तेरा बात बर्दाश्त कर रहा हूँ। मेरा जी कर रहा है कि तुझे मार दूँ। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ऐसा नहीं कहते हैं। वो एक साधारण इंसान है, तुम एक ज्ञानी बड़े घर का लड़का हो, ऐसा नहीं कहते। सच में गोपाल, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, जिसे नहीं बोलना चाहिए उसे भी बोलते हो, तुम्हारा गलती है। सच में गोपाल, तुम चुपचाप बैठो तो खुद भी सुनो, हमें भी सुनने दो। गुरुदेव अब शुरू कीजिए। हाँ गुरुदेव, आप क्या बोल रहे थे? हाँ, क्या मैं बोल रहा था? वो सेवक। हाँ, सेवक, और गोपाल भी ठीक कह रहा था। इस दुनिया में हम सब एक दूसरे का सेवक है। ऊपर वाले ने सब कुछ हम लोगों के लिए सृष्टि किए है, इसीलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी ऊपर वाले के लिए कुछ करें। जैसे बकरे का बलि देते हैं? नहीं नहीं, उससे कुछ बड़ा, और वो है दान। दान देने का भी कोई धर्म है। अधिकतम और न्यूनतम श्रेष्ठ दान क्या है? अर्थ दान, अन्न दान और वस्त्र दान। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। गुरुदेव, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारा दान के बारे में सुन लिया हूँ, लेकिन ये मेरा अर्थ, इतना सारा अर्थ मैं कहाँ रखूँ? कहीं ये भी दान में ना चला जाए। गुरुदेव, तुझ अर्थ के लिए तुम्हें इतना चिंता है? दो, उसे मैं अपने छोले में रख लेता हूँ। इस रच्चे में कोई चोर नहीं है। गुरुदेव, अब जो दान के बारे में बोले हैं, उस दान के अलावा और भी बहुत दान है। इतर दान, दूध दान, अधिकतम है या न्यूनतम है? बेशरम, तुझे मैं रुक। गुरुदेव, ये देखिए मेरा क्या हल कर दिया, आपका शिष्य आपके सामने मार दिया। गोपाल, स्वर मत मचाओ, जाओ जाओ जाओ, अपना काम करो, जाओ यहाँ से जाओ। सच में गोपाल, गुरुदेव की बातों के बीच में तुम रह रहे के रुकावट कर रहे थे, इसीलिए मार गए। हाँ सही कह रहे हो मंत्री। गोपाल, तुम अभी रसोई में जाकर गुरुदेव का खाने का बंदोबस्त करो। ठीक है महाराज। महाराज, आप सही विचार नहीं किए हैं। ठीक है, सही समय आने दो, आपका और उसी से का विचार करके रहूंगा। अमरपति, तुम्हें मैं पहले ही समझाया था ना कि इतना गुस्सा मत किया करो, गुस्सा शैतान का घर है। ये तो हमारे गोपाल साहब हैं, लेकिन सर पे मुकुट बनकर क्यों आए हैं और किस राज्य के मुकुट पहने हैं? ये मुकुट कौन दिया है? वही गुरुदेव का शिष्य मेरे सर पे जूते से मारा है।
महाराज क्या बोले हैं? कुछ नहीं, बदले में मुझे रसोई में भेज दिए हैं बाकी और सब। अच्छा अच्छा, वो सब बातें छोड़ो, हलवाई जी हलवा बनाया है, ये लीजिए खाकर देखिए कैसा है। बहुत स्वादिष्ट है, थोड़ा और दीजिए ना। हाँ, पेट भर के खा लिया मैं, अब मेरे सोने का बंदोबस्त कर दो। सुबह सुबह उठना है मुझे, पूजा पाठ करना है मुझे। थोड़ा टहल के आते हैं। ठीक है, चलिए चलिए चलिए। हाँ चलिए चलिए। क्या समाचार लाए हो? महाराज किसने चंद्र के कुटिया में जो गुरुदेव रह रहे हैं, सुना हो कि उनके पास बहुत सारे अर्थ है। अच्छा समाचार लाए हो, लेकिन ये समाचार लाने से पहले ये नहीं सोचे हो तुम कि वहाँ महाराज के पहरी होंगे? अगर हम चोरी करते समय पकड़ा गए तो क्या सजा मिलेगा पता है तुम्हें? हाँ बोलो। वो लोग राजमहल में नहीं है। तो कहाँ है? वो लोग बगीचे के कुटिया में रह रहे हैं। वो लोग सन्यासी है ना, इसीलिए राजमहल में नहीं रह सकते। लेकिन वहाँ हमें कौन ले जाएगा? हाँ? ये आदमी ले जाएगा, वो कुटिया यही बनाया है, वहाँ का रास्ता ये अच्छी तरह से पहचानता है। तो देर किस बात की, अभी चलो। इसका खुशबू बहुत अच्छा है। जी हाँ गुरुदेव, बहुत अच्छा है। महाराज गुरुदेव का प्रसाद तो हमें मिल गया, तो फिर हम चलते हैं महाराज। हाँ हाँ जाओ। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम महाराज। प्रणाम रानी। जाओ तुम दोनों भी प्रसाद खा लो। जी हाँ गुरुदेव। आज भजन बहुत ही अच्छा हुआ है। हाँ, सभी महाराज और गुरुदेव की कृपा है। आज प्रसाद पेट भर के खाए हैं, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा था हमारा गोपाल का मार खाना। हाँ सच बोल रहे हो तुम, एक तो बेचारा मार खाया, दूसरा महाराज के पास अच्छा बनने के लिए बेचारा फंस गया गुरुदेव की सेवा में। हम एक महाराज और गुरुदेव के नजरों में खराब भी नहीं हुए, और बदले में अच्छा अच्छा फल मिला, खा के हम लोग घर जा रहे हैं। हाँ फंस गया गोपाल, तुम ठीक बोल रहे हो। वो देखो महाराज के दोनों मंत्री हैं, होबू चंद्रा और गबू चंद्रा। चलो इन दोनों को ही पकड़ते हैं। अबू चंद्रा, ये लोग कौन है? कौन है? लगता है भूत है। चुप। हम लोग भूत नहीं है। तो हम लोग डाकू है। डाकू बचाओ। छोड़ दो, चुपचाप हमें महाराज के पास ले चल। हाँ अगर चिल्लाए तो तेरा हाल क्या करूँगा पता है तुझे? तेरा गला कट दूंगा मैं, समझे? नहीं नहीं मत मरना, ले चल रहे हैं हम। चलो चलो चलो। किस मुसीबत में पड़ गया मैं? ये सन्यासी गुरुदेव भी ना सोचा था कि खा पी कर थोड़ा आराम करूंगा, लेकिन उन्हें शरबत पीना है। क्या करूं मैं? बचाओ। चुप चुप, पर न मार दूंगा। कहीं से चिल्लाने की आवाज आ रही है, लग रहा है गुरुदेव का कुटिया से आ रहा है, देखता हूँ। सच सच बताओ अर्थ कहाँ है? तुम लोग क्या चाहते हो? लोग चोरी करने आए हैं।
ये दरवाजे के बाहर से छुप छुप कर देख रहा था। हम तुम उसे पकड़ के ले आए हो, अच्छा किया हो, पर ये गोपाल अपना दिमाग लगा कर फंसा देता। ये तो डाकू है, इन लोगों से बदला लेने का अच्छा मौका है। महाराज क्या हुआ है, ये लोग कौन है? ये लोग डाकू है, ये लोग गुरुदेव का शिष्य का अर्थ मांग रहे हैं। गुरुदेव के मर्जी से हम कुटिया के आसपास सिना नहीं रखे थे, अब इनका क्या किया जाए गोपाल? इनका कुछ नहीं करना होगा महाराज। गुरुदेव के झोले में जो अर्थ है वो दे दीजिए। वो सन्यासी फटाफट झोले से अर्थ दे दे, वरना तेरा बलि चढ़ा देंगे हम लोग। दे हमें अर्थ। नहीं नहीं, ये लो, ले लो बेटा, ले लो। चलो अर्थ मिल गया। हाँ, चलो सब चलो। गोपाल ये तुम ठीक नहीं किए हो, तुम्हारे वजह से हमारे मेहमान का सारा अर्थ चला गया, इसके वजह से हमारा कितना बेइज्जती हुआ। महाराज जब आपका मेहमान आपका बेइज्जती कर दिए है तब आप उनका रक्षा क्यों करेंगे? महाराज जो हुआ सही हुआ, मतलब ये इससे पहले ही मुझे मरकर मेरा बेइज्जती किए है। महाराज आप मेरे महाराज हैं और मैं आपका प्रजा हूँ। प्रजा का बेइज्जती का मतलब एक राजा का बेइज्जती है महाराज, इसलिए आपका बेइज्जती मैंने ही किया हूँ महाराज। बेइज्जती पहले इसी से ही किए है महाराज। गोपाल बिल्कुल ठीक कह रहा है, सच में तुम गोपाल बहुत ज्ञानी हो। सभी आप लोगों का आशीर्वाद है। उस बुंदा को इस टीम में ले लिया गया। मैं बुंदा की वजह से आज इंटर क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट में मैं भाग नहीं ले पाया हूँ, तो फिर मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा इस बार। उस बुंदा को मैं किसी भी कीमत पर मैं खेलने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। कंग्रेचुलेशन बुंदा, फुटबॉल टीम में नाम आ गया तुम्हारा। थैंक यू, लेकिन तेरा नहीं आया। क्या करूं, हम दोनों में से एक को ही मिलना था, क्योंकि मैं और तू एक ही पोजीशन पे खेलते हैं, इसलिए। हाँ हमदा, कोई बात नहीं, तू तो खेल रहा है, मुझे तो चांस नहीं मिला, अगले बार मैं खेलूंगा। चल उठ, चल चल उठ, मैं शॉट मार रहा हूँ और तू सेव कर। ठीक है, मैं भी प्रैक्टिस के लिए तैयार नहीं पा रहा था, थैंक यू। हमदा तू देखना मैं तुझे कैसे प्रैक्टिस करवाता हूँ। बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गया है ना तू। हमदा मैं तैयार हूँ, मार। तैयार हूँ, ले बुंदा, मर रहा हूँ। ये क्या किया? बहादुर बहादुर, अभी तू उस मोटू को पकड़कर मेरे सामने लेकर आ, बड़ा आया है फुटबॉल खेलने वाला, मार मार कर कचूमर बना दूंगी। ये क्या, मैं तो सोच रही है कि बॉल में मारा हूँ, मैं नहीं मारा हूँ, अल्लाह मारा है। बहादुर बहादुर पकड़ उसे, बांध कर ले आ मेरे पास। अंदा ये तूने क्या किया, फंस गया मैं, भागो। उसका प्रैक्टिस बर्बाद कर दिया हूँ, अब मैं उसे असली मैच भी नहीं खेलने दूंगा, आज ही मैच है। ये साइकिल लेकर तो बुंदा खेलने जाएगा, उससे पहले मैं इस साइकिल लेकर थोड़ा मरम्मत कर देता हूँ। बस काम खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ। आज का मैच मुझे जीतना ही पड़ेगा, इसलिए मुझे ग्राउंड में जाकर प्रैक्टिस करना चाहिए।
ये क्या, साइकिल का ब्रेक काम नहीं कर रहा है? हाँ सच में साइकिल तो ठीक था। ये क्या हो गया है, ब्रेक फेल हो गया है। बहुत दुख हो रहा है। ऐसे कोई साइकिल चलाता है? कितना बड़ा मैच खेलने का मौका क्या बार बार आता है। हंदा हंदा बॉल को सेव कर तू। हंदा सही से खेलना, सही से खेल। बॉल ठीक से पकड़ना। ये गेम तो हम ही जीतेंगे। ओए हंदा, तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। तू ग्राउंड से निकल बाहर, तब तुझे मैं देख लूंगा। निकल, तू क्लब में आएगा तब तुझे मैं मजा चखाऊंगा। ये क्या हुआ हंदा, तेरा हालत ये कैसे हुआ है? मैं तो चुनकर दौड़ते दौड़ते आया। हाय हाय मैं तो मर गया। वो टीम इतना मजबूत था, मुझे समझ में नहीं आया कितना अच्छा खेल रहे थे वो। हाँ वो लोग तो किक अच्छा मारते हैं। मतलब और क्या, मैं क्लब में जाकर सुना हूँ कि मैच होने के बाद तुझे क्लब के अंदर ले जाकर तुझे बहुत मारे हैं। मैं अब जा रहा हूँ, अगले मैच के लिए अब क्लब में प्रैक्टिस है। लग रहा है तुझे अगला मैच तक इसी बेड पे ही रहना होगा। मैं दोबारा फुटबॉल नहीं खेलूंगा। बहुत मार खाया हूँ।